सभी भाइयों को नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गांव की बात पे। पूरे भाई आज हम ब्लॉग बनाने वाले हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। आज हमारा है हरिद्वार का टूर और बीच बीच में हम कहाँ रुकते हैं और अगर कोई ऐसी चीज़ आती है आपको हम दिखाएंगे भाई आपको क्या क्या। आज हम मस्ती करने वाले हैं, आज अपने पुराने दोस्त के पास जा रहा हूँ भाई मैं, तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं भाई। अभी हमारा दादरी वाले फ्लाईओवर पे हैं, दादरी आ चुके हैं और ये देखिए कितनी अच्छी रोड है। रोड के आसपास पेड़ होने भाई बहुत ही आवश्यक है और सबसे अच्छा लग रहा है कि यह पहली बार देख रहे हैं, जो आप देख रहे हो सारे पीपल लगे हुए हैं। अब दोबारा गवर्नमेंट पीपल लगाना शुरू किया है गवर्नमेंट ने देखो, और पीपल होने भी चाहिए। सभी को पता है कि पीपल ही अकेला ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता, केवल पीपल ऐसा है जो ऑक्सीजन ही देता है। ये देखो कितनी प्यारी एक बिल्डिंग है। मुजफ्फरनगर बाईपास पे है, राणा चौक पार कर लिया आपने अभी। ये हाईवे से टर्न ले लिया सिसोना गांव की तरफ भाई। अभी मुझसे पूछ रहा था हरिद्वार जा रहे कहाँ जा रहे, बोले ये शॉर्ट में पड़ता है, ये शॉर्ट रास्ता है और जो सिसोना को होते जाता है कितना शॉर्ट पड़ता है 5 किलोमीटर। ये शर्मा जी बता रहे हैं 5 किलोमीटर का दे रहे हैं और रोड भी अच्छा है, हाईवे से कनेक्टेड रोड है। सबसे अच्छा लगता है भाई मुझे रोड पे पेड़, वो आपको भी अच्छे लग रहे हैं, देखो कितना प्यारा फील है। पेड़ होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भाई ने अब जान नहीं दे रहे किसी को, पेड़ गिर गया है, देखो पेड़ भी गिर गया। हाँ ये देखो अभी पेड़ गिरा है, सूखा पेड़ गिरा है। हाँ भाई गांव की बात है तो भैया हमारा गांव रह गया था, हम गांव दिखा रहे हैं इसके टूर पे, सिसोना गांव है ये। भाई देखो किसान भाई आगे आ गया ट्रैक्टर में, देखो गन्ने हैं भाई इसके, कितने पड़ेगा देखो लंबे कितने। हाँ जी शर्मा जी लंबे कितने, देखो किसान भाई ने कह रहा भाई एक साइड को जाओ, देखो भाई ये इस साइड को ले जा रहा है, ये महिंद्रा DI 265 है भाई देखो, और गन्ना भी देखो भाई कितना लंबा है। अब हम फिर उसी हाईवे पर आ गए हैं जो अपना हरिद्वार वाले हैं, और ये 5 किलोमीटर का टर्न था अगर हम घूम के आते भाई, लेकिन देखो कितनी जल्दी आ गए हम दोबारा भाई NS 58 पे दोबारा वापस आ गया। ये चलते हैं भाई हरिद्वार की तरफ, ये देखो अभी रुड़की जो है हरिद्वार यहाँ से 72 किलोमीटर है, रुड़की 44 है, हरिद्वार 72 है और केदारनाथ 309 है। यूपी बॉर्डर, ये आप देख रहे हैं यूपी बॉर्डर है, और यूपी बॉर्डर को हमने क्रॉस कर लिया, उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके हैं, हम उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके हैं भाई जी। आप सामने देख रहे हैं वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी, उत्तराखंड में प्रवेश हो चुका है हमारा। बोलो यूपी बॉर्डर पीछे देखा था आपने भी, उत्तराखंड बॉर्डर से क्रॉस कर रहे हैं, उत्तराखंड बॉर्डर में ही है क्योंकि दोनों स्टेट के बॉर्डर में थोड़ा सा कम से कम 200 मीटर का डिफरेंस दे रखा है। अब हम प्रॉपर उत्तराखंड में चल रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है देवभूमि उत्तराखंड, और जो बॉर्डर है ये खेड़ा जाट गांव है, खेड़ा जाट से शुरू होता है। भाई हम रुके हुए हैं एक पेट्रोल पंप पे, सबसे पहले रुड़की से पहले ही, और शर्मा जी अभी पानी पी रहे हैं, ये डीजल लिया है अभी। ये गंगा जी का पहला स्रोत है जो मुरादनगर तक जा रहा है, ये गंगा, ये भाई गंग नहर है जो मुरादनगर आपका गाजियाबाद से होते हुए आगे बुलंदशहर जा रहा है, और ये हम उसी की पटरी से चल रहे हैं भाई।
अब आप उसी पर ही आ गए गंग नहर जो और राधनगर वाली रोड है, गंग नहर के बराबर बर्फ पड़ रही है, उस पर आ गए हैं। ये चलती है, हम बड़ा शॉर्टकट ले रहे हैं। ये आ रहा है भाई, एक पुल आ रहा है, ये भी रुड़की से साढ़ू के लिए शॉर्टकट है। रुड़की, अभी हम रुड़की कैनाल रोड है भाई, नहर नहर के बराबर में रुड़की में हम प्रवेश करके भाई, और ये नहर के बराबर बराबर है हम, जो सीधा हरिद्वार जा रहा है, सीधा हरिद्वार रास्ता जा रहा है। ये देख रहे हैं बराबर में आपका गंग नहर है, और यहाँ बीच में कॉलोनी है। ये देखिए कितना प्यारा सा पेड़ है, देखो कितनी प्यारी फील आ रही है जी। ये हम अभी रुड़की में है भाई, नहर पर। ये क्लियर शरीफ की जगह है दरगाह, इस पर हम चल रहे हैं। यहाँ रैन बसेरा है भाई, ये रुकने का स्थान है। और ये देखो, ये रुड़की और हरिद्वार के बीच में है, हर की रुड़की से जाता है, हर रुड़की से जाता है। हरिद्वार पहुंच गए भाई, ये है भाई सुमन एंक्लेव हरिद्वार में, और यहाँ पे शर्मा जी प्लॉटिंग कर रहे हैं, शैलेंद्र शर्मा जी, जिनके साथ आया हूँ आज, हम ब्लॉग बना रहे हैं। ये है कॉलोनी, और जो इस साइड में है, ये जो कॉलोनी आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट की बसाई हुई है, जो अपना टीरी से जो बांध है भाई, बांध के जब बांध बन रहा था तो उन लोगों को शिफ्ट किया गया, तो ये वो जगह है, ये उनके घर हैं, ये गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। और ये है यार इनका, शर्मा जी का SRS एसोसिएट्स। दोस्तों लावण्य होटल हम पहुंच चुके हैं अपने ललित भारद्वाज के पास में। ये जो होटल है भाई, हर की पैड़ी से 1 किलोमीटर, मात्र 1 किलोमीटर दूर। होटल में हर तरह की सुविधा है, वो मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा आगे चल के। अभी हम होटल में चल जा रहे हैं, और मिलते हैं अपने रोहित भाई और ललित भाई से, और जानते हैं होटल के बारे में। ये पार्किंग लोट भी है भाई, पार्किंग भी इतनी सारी है, अगर आपको गाड़ी की भी टेंशन नहीं होगी, गाड़ी के लिए स्पेस ही स्पेस है, आप कितनी गाड़ी खड़ी करें। ये है होटल लावण्य।
भाई अभी होटल में प्रवेश कर रहे हैं हम, सामने हमारे ललित भाई हैं रिसेप्शन पर खड़े हैं और उनके बाद हम बात करते हैं रोहित भाई से और जानेंगे ये कब से सर्विस इंडस्ट्री में आए हैं और क्यों आए हैं। कब से स्टार्ट किया आपने और क्यों आया भाई इस इंडस्ट्री में, या पहले से आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए भाई? क्योंकि हम लोग पहले भी सर्विस प्रोवाइडर रह चुके हैं, पहले भी हमने सर्विसेज दी है और हम यहाँ पर हरिद्वार में आने के बाद जो यहाँ पर जिस तरीके की सर्विस मिलनी चाहिए होटल्स नहीं देते, हम वो देना चाहते हैं, हम वो खाना खिलाना चाहते हैं जो इस बेल्ट पे नहीं खिलाया जाता है। और जिस टेस्ट को आदमी सोच के घर से निकलता है, खाना और पानी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर वो रूम्स तो सर कहीं भी मिल जाते हैं, अगर वो उसको सही मिल जाए तो वो सही दिशा में आगे के लिए बढ़ता है। रोहित जी ये बताइए, जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप कस्टमर आपके यहाँ पर आते हैं, आप उनको एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और उनकी हर चीज़ों का जो ख्याल है रखने की कोशिश करते हैं? हाँ, मैं इस बारे में कहना चाहूँगा, देखिए रूम्स तो हम आपको अच्छे देंगे, देखिए ये भी इस बात के लिए मैं आपको एक श्योरिटी देता हूँ कि जो भूपत वाला एरिया के अंदर है ये होटल पहले भी नंबर दो पे रह चुका है हमारा, और ड्यू टू कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हुई और हमारी यही कोशिश है इस होटल को हम दोबारा से नंबर एक की पोजीशन पे ला सकें। हम उसी के लिए यहाँ पर डे बाय डे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप हमारे यहाँ जाके देखिए, अभी भी जबकि यात्रा शुरू होने में मात्र एक दिन बचा है, 3 तारीख से यात्रा शुरू हो जाएगी हरिद्वार से, तो यहाँ पर हम आज भी इस कार्य को कराने में लगे हुए हैं कि जितनी साफ सफाई और जितने अच्छे तरीके से हम लोगों को यहाँ पर जो चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती है उसको करने में लगे हुए हैं। यानी कि हर चीज़ तरह आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर हर तरीके से सेटिस्फाई हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा सेटिस्फाइड होकर जाए। वो ये लोग अगर खाना खाना है तो होटल लवण्या में आना जाना चाहते हैं, अगर हमें रुकना है तो होटल लवण्या का नाम ले, तो वो जो सर मेरी सोच ये है कि कहते हैं कि वो यहाँ पर सिर्फ आकर रहकर ना जाए, वो हमारे होटल को अपनी यादों में लिखे। रोहित जी एक चीज़ और बताइए, अगर कोई भी क्लाइंट आता है या नए पहली बार यहाँ पर आता है तो आप किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, एक ईजी वे भी चाहिए? क्या होता है कि हरिद्वार में पहुँचने के बाद में छोटा सा तो हरिद्वार है नहीं कि सीधे वो यहाँ पहुँच गया, तो उसके लिए आप क्या गाइडलाइन सर इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि देना चाहेंगे? सबसे पहली बात, हर की पौड़ी के बारे में और भीम गोडे के बारे में हर कोई जानता है, तो हम जो भी यात्री आता है हमसे फ़ोन पर बात करता है, पहले तो हम उसको फ़ौरन फ़ोन पर अपनी करेंट लोकेशन भेज देते हैं, अपना कार्ड भेज देते हैं और उनको सीधा गाइड करते हैं। हर की पौड़ी से आप रिक्शा लें, वो आपको भीम गोडा उतारेगा, भीम गोडा से सेकंड रिक्शा लेगा जो कि 10 रुपये सवारी लेता है, हरिद्वार हर की पौड़ी से भीम गोडे तक, और भीम गोडे से हमारे होटल के बाहर, बाहर हमारे होटल का आपने देखा होगा बोर्ड भी लगा हुआ है, एक बोर्ड यहाँ भी लगा हुआ है, वो हमारा बोर्ड देख के उतर के उतरना नहीं है, वो रिक्शा उसको यहीं पर उतार दिया। चलिए ये थे भाई रोहित भाई जिनके लिए हम ब्लॉग बनाने आए थे मेरठ से, जो भाई आपको पूरा ब्लॉग जो चल रहा था, और दूसरे भाई मित्र हैं हमारे ललित भाई, उनसे भी आपसे हमने बात करें, उन्होंने सारे रूम वगैरह दिखाए, तो ये ब्लॉग हमारा भाई अब पूरा होता है ब्लॉग, और रोहित भाई से भी आपने बात करी और मैं सारे का सारे रूम दिखाए, और जहाँ तक हरिद्वार तक के जो अब तक का मेरी जर्नी थी हमारी, मेरी शर्मा जी हम यहाँ तक पहुँचे, बीच बीच आपने वीडियो भी देखी, अच्छी लगी होगी भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, और हाँ लावण्या को जरूर प्रमोट करना, क्योंकि मैंने सारे रूम और सारी चीज़ें और भाइयों से बात करा दी है, रोहित भाई से भी देखो बात कराई है, तो अगर वीडियो भाइयों अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।